की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों में। करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ धाम में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान बद्रीश विशाल को रक्षा सूत्र किया अर्पित। मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने आधिकारिक आवास पर डिनर डिप्लोमेसी बैठक बुलाई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान का तहत अमृत कलश यात्रा का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर आरोप तय करने का मामला, राउज एवेन्यू कोर्ट आरोप तय करने पर आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में पहलवानों के वकीलों ने गंभीर आरोप लगाए। यमुना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले मुठभेड़ में 3 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अभियुक्त चोरी और लूट की घटनाओं को देती थी अंजाम। डीएम नवनीत सिंह चहल ने सभी को रक्षाबंधन की दी शुभकामनाएं। मंदबुद्धि संस्थान के संस्थापक डॉक्टर रीता अग्रवाल भी बच्चों के साथ मौजूद। आगरा में झोलाछाप डॉक्टर ने महिला को लगाया एक्सपायरी इंजेक्शन, महिला की तबीयत बिगड़ी, परिजन ने महिला को निजी अस्पताल में कराया भर्ती। मथुरा जिले के शहरी व ग्रामीण इलाकों में भाई बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। रक्षाबंधन को लेकर बहनों में काफी उत्साह दिखा। उन्नाव में डीएम ने मनाया भव्य रक्षाबंधन का त्यौहार। एसबीएम इंटर कॉलेज सहित 11 स्कूलों की बच्चियों से बंधवाई राखी। डीएम ने सभी छात्राओं को चॉकलेट देकर कराया मुंह मीठा।